चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ गोइंग टू बी आर थर्ड लेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड द टॉपिक टुडे व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, दैट इज मिशन एंड विजन, आर वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि सबसे पहले हमने एक वो डायाग्राम देखी थी, उसके अंदर सबसे पहला जो था हमारे पास वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का ही था, जिसमें हम विजन एंड स्टेप जो था उसमें हम विजन एंड मिशन सबसे पहले फॉर्मुलेट करते हैं कि किसी भी कंपनी किसी भी बिजनेस का विजन क्या होता है, उसका मिशन क्या होता है। ठीक है, तो वो सबसे पहले हमारे पास यही होगा, हम इसी स्टेप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली विजन में क्या कहा जाता है, कोई भी हम कंपनी की प्रोफाइल उठाकर देख लें, किसी भी बिजनेस की प्रोफाइल उठाकर देख लें, तो वहां पे हमें पता चलता है कि वहां से हमें आप कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लें, बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट उठाकर देख लें, किसी कंपनी का प्रोफाइल आप खोल कर देखें, तो सबसे पहला अगर कोई आपको होगा ना मैसेज नजर आता है, कोई विजन नजर आता है, कोई कोटेड लाइंस नजर आते हैं, या आपको डायरेक्टर का कोई मैसेज नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो दैट यूज टू बी बेसिकली डायरेक्टर्स मैसेज और विजन और मिशन स्टेटमेंट्स। तो ये हर कंपनी की हर बिजनेस की अपनी अपनी मिशन और विजन स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर उन्हीं को वो आगे लेकर उसी के ऊपर वर्क करते हुए वो आगे फर्दर अपने प्लान्स एंड गोल्स वगैरह बनाते हैं, और उसी से आगे ऑब्जेक्टिव्स और उसी को फिर वो इम्प्लीमेंट करते होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, कि हमने एक्चुअली में करना क्या है, हमने जाना किधर है, हमारा बिजनेस क्या है, उससे रिलेवेंट हमने किस तरह से अपनी सेल्स बढ़ानी है, किस तरह से हमने अपना काम करना है एंड ऑल दैट। ठीक है, और उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस प्लान को, उस सारी जो हमने चीज सोची होती है उसको, फिर उस वो इम्प्लीमेंटेशन की फेज होती है हमारी, और उसके बाद इन आर वेरी थर्ड स्टेज हम उसकी जो होती है प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसको वैल्यूएट करते हैं कि अदर जो हमने प्लानिंग की थी वो एक्चुअल में डूएबल है भी या नहीं। ठीक है, चले जी, हम पढ़ते हैं यहाँ से स्लाइड से कि एक्चुअली में ये है क्या। विजन इज व्हाट डू यू वांट टू बिकम, कि हम एक्चुअल में बनना क्या चाहते हैं। आवर विजन इज मोर ड्रीमेट ऑफ देन इट इज। ठीक है, विजन जो होता है ये एक तरह का होता है ये हमारे पास लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है कि हम इस जगह पर इस स्टेज पर अपनी कंपनी को देखेंगे। विजन स्टेटमेंट इज परमानेंट स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। विजन इज फ्यूचर एस्पिरेशंस दैट लीड टू एन इंस्पिरेशन। ठीक है, ये हमारी कंपनी की कुछ फ्यूचर एस्पिरेशंस होती हैं। ठीक है, और ये किसी एक चीज से इंस्पायर्ड होकर ये लिखी जाती हैं। ठीक है, इट डिफाइंस द वेरी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, और ये किसी कंपनी का जो है वो पर्पस को डिफाइन कर रही होती हैं। मैंने आगे अपने लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कुछ कंपनीज की, उनके विजन की, मिशन की, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, तो फिर आपका और ज्यादा इससे रेलेवेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा। महनूर और जैद, प्लीज आप अपने बाकी फेलोज के साथ भी मीनवाइल कॉन्टेक्ट करें और उनको कहें कि वो प्लीज आ जाए, तो हम वो भी लेक्चर को सुन लें, समझ लें, अच्छी बात है। ठीक है, The vision of a company is a direction for action for employees. The essence of a vision is forward-looking view of what an organization wishes to become. Kotler कहता है जी vision को a description of an enterprise, कि एक description enterprise की जो होगी that will be called a vision. ठीक है, और visions usually इतने ज़्यादा change नहीं होते, लेकिन missions जो होते हैं वो company के विद टाइम वो इवॉल्व होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, मतलब होते रेलिवेंट ही हैं, रेलिवेंसी में ही होते हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े इवॉल्व होते रहते हैं। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप शोइंग द रूट अ कंपनी इंटेंड्स टू टेक इन डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस। इट डिफाइंस कंपनीज डेस्टिनेशन एंड प्रोवाइड्स रैशनल फॉर गोइंग देयर। इट कल्मिनेट्स इन टू आर मिशन स्टेटमेंट। स्ट्रेटेजिक विजन पॉइंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन
charts our strategic path to follow for future and models the organization's identity. ठीक है, basically आपका vision होता है, एक broader perspective होता है कि 5 साल में 10 साल में मैं अपनी company को, अपने business को यहाँ पर grow करता हुआ देखूंगा. ठीक है, लेकिन जो विजन होता है फिर वो आपकी, लेकिन जो आपका विजन होता है वो आपकी कंपनी का उसको आप ब्रेक डाउन करते हो इनटू योर मिशन स्टेटमेंट. और मिशन स्टेटमेंट यूजुअली कंपनीज के 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं ये आपको इतनी ज्यादा एक्सटेंसिवली एक छोटी छोटी चीज पढ़ाने का मकसद ये है कि कल को अगर आप जब अपना बिजनेस करते हो, जैसे मैंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के भी लेक्चर में पढ़ा कि कल को आप अपना जब कोई बिजनेस करते हो, कोई कारोबार करते हो, या आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम भी करते हो, तो उस सूरत में भी आपकी थॉट्स बहुत क्लियर हो, अगर आपसे सजेशन ली जाए, आपको अपनी कंपनी के मैनेजमेंट लेवल पे डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो और मैनेजेरियल पोजीशंस पे हो, तो आपको क्लियर हो, क्लैरिटी हो कि विजन्स किस तरह से फॉर्मुलेट करने हैं और मिशन किस तरह से फॉर्मुलेट करने हैं. अगर हमने कोई फ्रेंचाइज बनानी है, कोई अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कुछ करना है, कोई नया उस चीज की कुछ खोलनी है, तो उस सूरत में भी आप फॉर्मुलेट करते हो मिशन्स को, विजन्स को आप बनाते हो. तो ये चीजें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं इन लॉन्ग रन, जब आप इनको आपको ये बनानी आती हूँ तो. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि स्ट्रेटेजिक विजन इज डिफरेंट फ्रॉम मिशन स्टेटमेंट. स्ट्रेटेजिक विजन डील्स विद वेयर वी आर गोइंग, वेयर एज मिशन स्टेटमेंट डील्स विद कंपनीज प्रेजेंट बिजनेस स्कोप एंड पर्पस. ठीक है, तो व्हाट द मीनिंग इज कि लॉन्ग रन में आप खुद को कहाँ पर देखते हो वो आपका विजन स्टेटमेंट डिसाइड करेगा, और इन अ शॉर्ट रन इन योर प्रेजेंट एट योर प्रेजेंट आप अपने बिजनेस को कहाँ पर देखते हो, और 1-8 साल में आप अपने आने वाले बिजनेस को कहाँ पर देखते हो, किस तरह से देखते हो. ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा मिशन. कंपनी मिशन इज गाइडेड बाय द बायर्स नीड्स. इट सीक्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर ग्रुप्स and market segments it is endeavoring to serve, and the resources and technologies that it is deploying in trying to please customers and achieve a market and industry position. ठीक है, सो बेसिकली वो विजन के बारे में आपको ये सारा विजन मिशन और विजन जो है इतना हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि आपको ये खुद भी बनाना आता हो, कल को आप जब किसी ऐसी मैनेजरियल पोजीशन पे होंगे तो आप इसको खुद बना सकें. ठीक है, आगे आ जाते हैं जी विजन स्टेटमेंट्स की. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको मैं रीड आउट करती हूँ. ठीक है, आपको पता चलेगा कि किस तरह से विजन बनते हैं. तो टाइसन फूड्स जो है वो अपना विजन लिखते हैं कि जी द वर्ल्ड्स फर्स्ट चॉइस फॉर प्रोटीन सॉल्यूशंस व्हाइल मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू. सो उसने क्या लिखा टाइसन फूड्स ने, उसने कहा कि आपने प्रोटीन के सॉल्यूशंस के लिए आना है, सबसे पहली हमने चॉइस बनना है. अगर कोई प्रोटीन की किसी को कमी है, या वो कोई प्रोटीन से रेलेवेंट कोई शेक्स लेना चाहता है, या प्रोटीन का प्रोटीन ओरिएंटेड फूड लेना चाहता है, तो उसमें टाइसन फूड्स का जो नंबर हो वो नंबर वन हो. ठीक है, पूरी दुनिया में नंबर वन हो, और अल्टीमेटली इससे क्या हो, मैक्सिमाइजेशन हो शेयर होल्डर्स की वैल्यू. ठीक है, इसी तरह आ जाते हैं जनरल मोटर्स का क्या विजन है जी. विजन इज टू बी द वर्ल्ड लीडर इन ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज. ठीक है, जनरल मोटर्स जो कि गाड़ियां बनाने की कंपनी है, वो कहती है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन में जी वर्ल्ड लीडर बनना है, और हमने इससे रेलिवेंट जो सर्विसेज हैं उनमें भी हमने नंबर वन पे होना है, हमने दुनिया में नंबर वन पे आना है. ठीक है, पेप्सी को रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी ऑपरेट, इन्वायरमेंट सोशल इकोनॉमिक, क्रिएटिंग अ बेटर टुमारो देन टुडे. अच्छा, अब जो पेप्सी है उसने खाली वो बोतल से रेलिवेंट को बात नहीं की, उसने सिर्फ ये कह दिया कि हमने ओवरऑल सोशली रिस्पॉन्सिबल रहकर सारा काम करना है, और हमने बेटर टुमारो जो है वो पैदा करना है, हमने बेटर टुमारो की तरफ जो है स्ट्राइक करना है, उसकी तरफ हमने जाना है. तो ये दीज स्टेटमेंट्स आर मिक्सचर्स. ठीक है, कुछ ने अपना क्लियर कट बता दिया कि हमने पहले नंबर पे आना है दुनिया में,
हमने जी लीडर बनना है दुनिया में, हमने अपने जो है वो सॉल्यूशंस देने हैं, हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है। और पेप्सिको ने थोड़ा सा उससे दूसरी डायरेक्शन में जाकर कहा है, उसने थोड़ी सी गोल गोल बात की है कि भैया मैंने तो जो है वो अच्छा एनवायरनमेंट देना है सोशली इकोनॉमिकली, जो कि बेटर टुमारो पैदा कर सके, जो कि अच्छा आपके लिए कल जो है वो पैदा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। व्हाट इज आवर बिजनेस? करंट थॉट ऑन मिशन स्टेटमेंट्स इज बेस्ड लार्जली ऑन द गाइडलाइंस सेट फोर्थ इन द मिड 1970s बाय पीटर ड्रकर। अच्छा, ये चीजें मैंने आपकी बुक से उठाई हुई हैं। ठीक है, आपकी जो बुक मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, वहां से बेसिकली मैंने ये चीजें उठाई हुई हैं कुछ। ठीक है, तो पीटर डकर जो है, इसको बेसिकली कहा जाता है कि ये मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर है, और इसने बहुत ज्यादा जो है वो काम किया है रेलिवेंट टू बिजनेस एक्सपेंशन, एंड इसने काफी ज्यादा बुक्स भी लिखी हैं, कोई 22 के करीब इसकी बुक्स हैं, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इसकी रिसर्च है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस से रेलिवेंट और बिजनेस से रेलिवेंट। ठीक है, तो इसकी गाइडलाइंस है, ये मिड 1970s में इसने बताई थी काफी ज्यादा चीजें। ठीक है, और इसको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर हिज पायनियरिंग स्टडीज एट जनरल मोटर्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, जनरल मोटर्स में भी इसने काफी ज्यादा स्टडीज की, इसको हेल्प की गई, इसको रिसर्च के लिए फंड्स वगैरह दिए गए, और इसने उससे उसमें भी काफी ज्यादा जो है वो रिसर्च की। Drucker was called the permanent management thinker of our time. What is our business is equals to what is our mission. जब कहा जाए कि हमारा बिजनेस क्या है, या कोई पूछता है कि what is your business, तो उसका मतलब यही होता है कि वो पूछ रहा है कि आपका एक्चुअली में मिशन क्या है भाई। तो where you want to be will be your vision and what is our business will be your mission. कि आपका मिशन क्या है बेसिकली, आप अभी शॉर्ट टर्म में प्रेजेंट टाइमिंग में आप करना क्या चाहते हो। द मिशन स्टेटमेंट इज डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस रीजन फॉर बीइंग। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। मिशन स्टेटमेंट एन एंड्यूरिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट डिस्टिंग्विशेस वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर सिमिलर इंटरप्राइजेस। ठीक है, वो ये कहता है कि ये जो आपका मिशन स्टेटमेंट है, ये वो वाली स्टेटमेंट है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंशिएट करती है, और ये एक आपकी डेक्लेरेशन सॉर्ट ऑफ थिंग है आपकी वेलबींग की, कि भैया आपकी जो है वो आपके होने का मकसद क्या है, आपके होने की एक्चुअली में रीजन क्या है। ठीक है, ये उसको डिपिक्ट करती है। सॉरी, ये मैं थोड़ी सी इसमें वो कर रही थी एडिटिंग, थोड़ा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। अच्छा जी, मिशन स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है, और इसको कहा जाता है क्रीड स्टेटमेंट, इसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ फिलोसफी, इसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, इसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल्स, इसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ डिफाइनिंग आवर बिजनेस। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर मेनी अदर नेम्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, एंड ओरिजिनली आपका ये स्टेटमेंट ये बताता है कि आपका बिजनेस क्या है और आपके बिजनेस का रीजन क्या है। विजन वर्सेस मिशन। मिशन स्टेटमेंट आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज आवर बिजनेस, वेयर एज दिस विजन स्टेटमेंट आंसर द क्वेश्चन व्हाट डू वी वांट टू बिकम और वेयर वी वांट टू बी। ठीक है, जितना ज्यादा हमारा बिजनेस का विजन क्लियर होगा, उतना ही ज्यादा और अच्छा बेहतर कॉम्प्रिहेंसिव हम मिशन स्टेटमेंट भी फॉर्मुलेट कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिशन स्टेटमेंट की। अच्छा, ये काफी ज्यादा एग्जांपल्स इसमें आई गेस होंगी। हाँ जी, ये कुछ 3-4 एग्जांपल्स हैं, इसमें से मैं कुछ स्टडी कर रही हूँ, कुछ को आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, ये इसकी कोई 4 के एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। चलिए मैं पहली पढ़ती हूँ। फ्लीटवुड एंटरप्राइज विल लीड दी रिक्रिएशनल व्हीकल एंड मैन्युफैक्चर्ड हाउसिंग इंडस्ट्रीज इज
providing quality products with a passion for customer-driven innovation. We will emphasize training, embrace diversity, and provide growth opportunities for our association and our dealers. We will lead our industry in the application of appropriate technologies. We will operate at the highest levels of ethics and compliance with a focus on exemplary corporate governance. We will deliver value to our shareholders, positive operating results, and industry leading earnings. अच्छा, basically vision mission statement इतने लंबे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया है कि in a broader perspective mission statement होते हैं. Basically दो तरह के mission statements होते हैं, एक आपने इंटरनली रखना होता है, एक आपने एक्सटर्नली रखना होता है. जो एक्सटर्नली रखते हो आप, वो इतना बड़ा और इतना लंबा नहीं होता, ठीक है, जितना लंबा ये यहाँ पर दिया हुआ है. वो कंसाइज होता है, थोड़ा छोटा होता है, ठीक है. ठीक है, और वो थोड़ा छोटा होता है. और आप निकाल कर देखिएगा, गूगल कीजिएगा, मिशन स्टेटमेंट्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगी. ये बेसिकली इंटरनल स्टेटमेंट है और ये थोड़ी सी लंबी है, ठीक है. आगे ये पेप्सिको की उन्होंने बताई हुई है स्टेटमेंट कि ये किस तरह से अपनी स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप इन स्टेटमेंट्स में से कोई एक एग्जाम्पल उठाएं और उसकी अपनी खुद से आप स्टेटमेंट बनाएं. उससे भी आपको हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए आपका मिशन स्टेटमेंट्स वगैरह लिखने में. उसके बाद डेल की है, लॉरेल की है, ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स में दी हुई हैं. आगे आ जाते हैं जी, हमारा मिशन स्टेटमेंट एग्जांपल्स अभी इधर भी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की भी है अभी तक उसकी, और फिर है जी विजन एंड मिशन, ठीक है. तो बेसिकली वो कहता है कि मिशन एंड विजन होने से क्या होता है. मिशन एंड विजन होने से ये होता है कि जी ग्रेट बेनिफिट्स कैन बी अचीव्ड इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन और विजन. सिस्टमैटिकली रिविजिट्स देयर वर्जन्स एंड मिशन स्टेटमेंट्स. अगर कोई कंपनी अपनी उसको विजन्स को और मिशन्स को सिस्टमैटिकली देखती है और उनको रिविजिट्स करती है, उनको थोड़ा बहुत चेंजिंग करती रहती है विद टाइम, तो वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है और वो ज्यादा लगता है कि वो एसोसिएटेड है, ठीक है. ट्रीट्स देम एज लिविंग डॉक्यूमेंट्स. अच्छा, आपने मिशन एंड विजन को ऐसी टैगलाइन बना देना है कि जो कि ऐसे लगे कि वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. वो खाली खोली बातें बूते नहीं है, वो उन बातों के पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो जिंदा मिसाल है, ठीक है. कंसीडर देम टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फर्म्स कल्चर, ठीक है. तो मिशन एंड विजन्स को कंसीडर करें कि ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है. प्रॉफिट एंड विजन आर नेसेसरी टू इफेक्टिवली मोटिवेट अ वर्कफोर्स, ठीक है. तो प्रॉफिट और विजन जो हैं वो नेसेसरी हैं इफेक्टिवली मोटिवेट द वर्कफोर्स. तो ऐसी कोई टैगलाइन जो बड़ी पंचिंग हो, बड़ी वो कह लो कि छलकती भड़कती हो और वो आपके मिशंस और विजन्स को क्लियरली डिफाइन करती हो, उसको आपको आपके साथ उसको लिंक करती हो, तो ऐसी सूरत में ये बड़े इफेक्टिव होते हैं टू मोटिवेट योर वर्कफोर्स आल्सो, ठीक है. मतलब आपने ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, ऐसा मिशन एंड विजन बनाना है जो लोगों को मोटिवेट करे. वो ये ना हो कि वो आपको बिल्कुल ही कह लो कि बासी कर दे, ठीक है. Shared vision creates a community of interest. तो अगर आपने इन visions को share किया हुआ है तो इससे क्या होगा कि बाकी लोगों का जो interest होगा उससे relevant सारे लोग जो होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है. The process of developing vision and mission statements, ठीक है. A clear mission is needed before alternative strategies can be formulated and implemented. Participation by as many managers as possible is developing the mission, because through involvement people become committed to an organization, ठीक है. वो कहता है कि जी आपने जब भी मिशन या विजन स्टेटमेंट्स फॉर्मुलेट करने हैं, बनाने के लिए बैठना है आपने, तो कोशिश करें कि आप सारे मैनेजर्स को उसके अंदर आप इन्वॉल्व कर सके. मैम,
इन्वॉल्व कर सके, उससे ये होगा उनकी कमिटमेंट मजीद बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि कल को आपको हो सकता है कि विजन से रेलिवेंट डिस्कशन के लिए जो है वो बिठाया जाए, होती तो ये दो तीन लफ्जों की खेल है, मतलब होता तो ये खेल इतने थोड़े से लफ्जों का है, लेकिन इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर इसका प्रोसेस होता है, क्योंकि इसने ही आपके साथ सारी जिंदगी या कह लो कुछ वक्त के लिए साथ साथ चलना होता है। इसी टैगलाइन के बलबूते के ऊपर आपकी डिफ्रेंसिएशन होती है, आपकी पोजिशनिंग होती है कि हाँ हमारी पोजिशन ये है और हम इस तरह से जो है वो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट से एलिमेंट हम इस तरह से डेवलप वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और हम इस तरह से जो है वो दूसरों से डिफरेंट है। ठीक है, आगे आ जाते हैं स्टेप्स टू डेवलपिंग विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। स्टेप नंबर वन है आपका हैव मैनेजर्स रीड रिलेटेड आर्टिकल्स। कहते हैं कि मैनेजर्स को बिठाओ, उनको कहो कि इससे रेलिवेंट जितने आर्टिकल्स हैं उनको स्टडी करें, ठीक है, और उससे रेलिवेंट जो फिर बातें होंगी फिर वो आगे हेल्पफुल होगी आपका खुद का मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करने में। हैव मैनेजर्स प्रिपेयर अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे मैनेजर भी हो पढ़े लिखे अच्छे बने, जिनकी अच्छी वोकैबुलरी भी और अच्छा क्रिएटिवली कुछ सोचते भी हो, फिर वो अच्छे से क्लियरली सारा विजन एंड मिशन स्टेटमेंट जो होगा वो तश्कील देंगे। मर्ज दी डॉक्यूमेंट्स इनटू वन एंड डिस्ट्रीब्यूट। कहता है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको एक में ही मर्ज कर दें और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसको लोगों के साथ जो है वो उसके साथ उसको जो है वो आपने फॉर इंस्टेंस मिशन स्टेटमेंट बनाई है उसको आप लिखो और लिख के उसको कॉपियां करा के बाकी लोगों के में भी वो दे दो, इससे वो उसके ऊपर अपना फीडबैक दे सकेंगे। गैदर फीडबैक फ्रॉम मैनेजर्स, इससे वो अपना फीडबैक दे सकेंगे। मीट रिवाइज द फाइनल डॉक्यूमेंट, तो और अगर उसमें कोई आपको लगे कि भाई ये वाली चीज डिफरेंट होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में तो उसको भी रिवाइज किया जा सके। Developing the vision can be the most enjoyable part of planning, but the part of where time easily gets away from you. यानी सोच सोच के आपका हो सकता है कि टाइम वेस्ट हो रहा हो, ठीक है, और आप उस बात को अच्छे से ना पहुंचा रहे हो, ऐसा होता है और ऐसा हो सकता है, ठीक है। Note that originally the vision was a compelling description of the state and function of the organization. Once it had implemented the strategic plan, that is a very attractive image towards which the organization was attracted and guided by strategic plan. Recently, the vision has become more of a motivational tool, too often including highly idealistic phasing and activities which the organization cannot realistically be aspired. तो ऐसा आपने शायद देखा भी हो कि हो सकता है कि कोई ऐसा बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स विजन या मिशन बन जाता है, और समटाइम्स यूँ होता है कि किसी ना किसी कंपनी ने इतना उसको अनरियलिस्टिक बनाया होता है ना कि हम तो जी 100 करोड़ का टारगेट पूरा कर लेंगे, हम तो भी ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, हम तो ठाठा कर देंगे। तो ऐसी सूरत में जो होता है वो आपके विजन्स और मिशन्स जो होते हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, उनकी अगर आपको राइटिंग अच्छी आती है तो ये आपके लिए जो होता है आपके आउटलुक को, बिजनेस आउटलुक को भी बेहतर बनाती है। आगे आ जाते हैं जी इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। कहता है कि जी बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, हम विजन एंड मिशन जो होगा वो होगा तो उससे अल्टीमेटली आपकी जो होगी अवाम वो मोटिवेट होगी और इन अ लॉन्ग रन वो जो होगा वो अच्छे के लिए है। जब वो मोटिवेट होंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी सैलरीज बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। फिर बेटर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इसके बाद बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इसके बाद आ जाता है जी एनिमिटी ऑफ पर्पस। सो तो आपका अगर पर्पस हो और वो लिखा हुआ भी हो तो उस सूरत में आपका जो मिशन और विजन है वो आपको फायदा दे के जाता है, ठीक है।
रिसोर्स एलोकेशन करते हुए भी आपको फायदा होता है, ठीक है, कि किस साइड पे आपने कितना रिसोर्सेज एलोकेट करने और कितने नहीं करने। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर, आप मिशन एंड विजन विजन जो होते हैं वो कल्चर को भी इस्टेब्लिश करते हैं। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें नहीं करते, ऐसे काम नहीं करते हो, लेकिन वो आपकी जो है वो इर्द गिर्द वालों ने या आपके बॉस ने उसको आपकी कारकर्दगी बड़ी अगर पसंद है, हो सकता है उसके पैसे वो ही दे दें, ठीक है। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं। फोकल पॉइंट फॉर इंडिविजुअल्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर, तो आपके कल्चर की इस्टेब्लिशमेंट इसमें बड़ा मैटर करती है। और ये मिशंस और विजन्स जो होते हैं ये आपके कल्चर को मज़ीद जो है वो अच्छे से डिपिक्ट करते हैं और उसको शो करते हैं कि ये किस तरह का कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फोकल पॉइंट ऑफ फॉर इंडिविजुअल्स, तो ये जो मिशन एंड विजन्स होते हैं ये आपके फोकल पॉइंट्स होते हैं, ये आपके बिल्कुल स्टार्टिंग कम्युनिकेटिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप फर्स्ट पे इनको देखते हो। उसके बाद आ जाते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क स्ट्रक्चर, तो आपके वर्क स्ट्रक्चर को भी इस्टेब्लिश करने में जो होते हैं विजन्स एंड मिशन जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। बेसिस ऑफ असेसमेंट एंड कंट्रोल, आपके मिशन्स एंड विजन्स जो होते हैं वो आपकी असेसमेंट्स वगैरह को और कंट्रोल्स को करने में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ डाइवर्जेंट व्यूज़, अगर किसी के व्यूज़ जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, डाइवर्जेंट हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में भी मिशन्स एंड विजन्स जो होते हैं वो आपके मसाइल को रिजॉल्व करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ डाइवर्जेंट व्यूज़, a genuine decision must be based on divergent views to have a chance to be a right and effective decision, ठीक है। आगे आ जाता है जी considerable disarrangement over vision and mission statements can cause trouble if not resolved, तो आपको सबसे पहले तो आपके जो मिशन है उसको बहुत ज्यादा एक डिक्लेरेशन की तरह होना चाहिए, वो डिक्लेयर करने वाले अंदाज में होना चाहिए। दूसरी बात वो कहता है कि ये इसको रेजोल्यूशन ऑफ डाइवर्जेंट व्यूज हो, कि जो इधर उधर के आपके व्यूज हैं ये उसको रिजॉल्व करता हो, जो आपकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग है उसको ये रिजॉल्व करता हो, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे इन अ लॉन्ग रन तो ये आपके लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। आगे हैं जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स देखे हैं इनमें से मैं कुछ स्टडी करती हूँ। इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग, ठीक है, आपके मिशन स्टेटमेंट को इस तरह का होना चाहिए कि वो एक्सपायरिंग भी हो, इंस्पायरिंग हो और एक्सिलरेटिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्टीन्यूटी, अ स्टेप, अ जम्प अहेड टू ड्रीम वट इज इट इज टू बी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ कॉमन इंडस्ट्री एंड शेयर सेंस ऑफ पर्पस, ये आपके मिशन स्टेटमेंट का करेक्टरिस्टिक है कि ये ऐसा आपका जो है वो मिशन स्टेटमेंट इस तरह का हो कि वो आपके पर्पस को शेयर करे, आइडेंटिटी को शेयर करे, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है जी हमारा कंपेटिटिव ओरिजिनल एंड यूनिक प्रैक्टिकल। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं आपसे एक सेकंड बस, मैं अभी आई विल गेट बैक टू यू। ओके क्लास, आई एम बैक, ठीक है। आगे जी फोस्टर रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो आपके मिशन स्टेटमेंट को इस तरह का होना चाहिए कि ये एक रिस्क टेकिंग आपकी उसको शो करता हो। लेकिन देखिए इतने ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हो सकता है कि किसी एक मिशन स्टेटमेंट में ना हो, हो सकता है ये मल्टीपल मिशन स्टेटमेंट्स में हो, तो इट विल डिपेंड्स के आपके विजन्स और मिशन स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस तरह से
जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात पाई जाते हैं, कौन कौन सी उनके अंदर जो है वो क्वालिटीज होंगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी हमारे, ये काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो आई वुड सजेस्ट आप इनको खुद भी स्टडी करिएगा। आई डोंट नो टाइम कितना रह गया है, चले खैर एनीवेज। विजन इज अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बिकम, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि आपकी एक सेकंड क्लास। Sorry class for disturbance, actually it's my niece, she's disturbing between lectures, actually time itna is tarah ka hai ki wo bhi thoda sa, she is coming in between। अच्छा जी, सो क्लास की करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई करेक्टरिस्टिक समझ नहीं लगता तो यू कैन आस्क मी, आप अपने लेक्चर के बाद भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बोरिंग ही हो गया है, इतने ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप खुद देख लीजिएगा। आगे आ जाते हैं विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स, ये जी क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रमोट शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, कंसोलिडेट वैल्यूज, प्रोजेक्ट अ सेंस ऑफ वर्थ एंड इंटेंट, अफर्म द कंपनीज कमिटमेंट एंड टू रिस्पॉन्सिबल एक्शन। ठीक है, सो बेसिकली मिशंस एंड विजन्स होते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ों के को डिपिक्ट कर रहे हैं, ये आपकी डायरेक्शन को बताते हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को बताते हैं, वैल्यूज को बताते हैं, वर्थ को बताते हैं, आपकी कंपनीज की कंपनी की कमिटमेंट्स को बताते हैं। ठीक है, तो थिंग इज के मिशन और विजन स्टेटमेंट्स बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा दिमागों की रिसर्च होती है, काफ़ी ज़्यादा सरखपाई होती है, और फिर उनमें से चुन के जो है वो एक आपका कोई एक विजन या मिशन जो होता है वो डिसाइड होता है। क्लास हमारे पास 10 मिनट्स रह गए हैं। अच्छा, हमने ऊपर क्या था कि ये डेक्लरेशन ऑफ एटीट्यूड की तरह होना चाहिए, तो डेक्लरेशन ऑफ एटीट्यूड क्या होता है जी, ये होता है कि आपका जो एटीट्यूड हो इस विजन के से रेलिवेंट, इस मिशन से रेलिवेंट, वो डिक्लेयर करने वाला हो। ठीक है, वो ऐसा हो कि आप उसके स्कोप को ब्रॉड कर सकते हो, आप उसमें मोटिवेशन का फैक्टर डाल सकते हो, वो बैलेंस्ड भी होना चाहिए, वो बड़ा स्पेसिफिक ना हो, वो डायनेमिक इन नेचर हो, वो आपकी फ्यूचर ग्रोथ को भी शो करता हो। सो आपके उसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स इसमें ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं एक एक करके पढ़ देती हूँ। ठीक है, ये दीज आर वेरी जनरल, इतनी कोई मुश्किल बातें नहीं है, आप ऐसे भी माशाल्लाह से 8th semester के स्टूडेंट्स हैं, शायद आप में से कोई ना कोई जो है वो इस स्टेज में से गुजरा हो, या हो सकता है नहीं भी गुजरा हो, तो इन फ्यूचर वो इस स्टेज में से गुजरे। सो डेक्लरेशन ऑफ एटीट्यूड में कौन कौन से एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, इसमें होगा कि जी ये ब्रॉड इन स्कोप हो, जनरेट स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स हो, नॉट ओवरली स्पेसिफिक हो, रिकनसाइल्स इंटरेस्ट अमंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, उनके उनको कंसोलिडेट करता हो, उनके उनके मुख्तलिफ जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको वो एक पेज पे, वन पेज पे लेकर आता हो, फाइनली बैलेंस बिटवीन स्पेसिफिक स्पेसिफिसिटी एंड जनरलिटी। तो ये स्पेसिफिकलिटी में भी आता हो और ये आपकी जनरलिटी में भी फॉल करता हो। अराउज पॉजिटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये नेगेटिव सॉर्ट ऑफ ना हो, ये आपकी पॉजिटिव इमोशंस को शो करता हो। मोटिवेट रीडर्स टू एक्शन, आपके रीडर्स को ये कुछ करने की तरफ उभारता हो। ठीक है, जनरेट फेवरेबल इम्प्रेशन ऑफ द फर्म, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता हो जो कि एक फेवरेबल इन्वायरमेंट की तरफ को शो करता हो। ठीक है, रिफ्लेक्ट फ्यूचर ग्रोथ, ये बिल्कुल ऐसा हो कि जो आपके फ्यूचर की ग्रोथ को भी शो करता हो। प्रोवाइड क्रिटेरिया फॉर स्ट्रेटजी सिलेक्शन, और ये एक ऐसा क्रिटेरिया भी आपके सामने रखता है, लाइक ये एक ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ हो, इसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें इसके अंदर हमने शामिल करनी है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा नहीं हमने इसको रखना, हमने छोटा ही रखना होता है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें छोटी छोटी आपकी जो है वो शो करता हो, इसको सारे खानों में ये फिट बैठता हो। ठीक है, प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटजी सिलेक्शन,
ये स्ट्रेटजी सिलेक्शन में भी आपके लिए क्राइटेरिया रखता हो, उसको प्रोवाइड करता हो, बेसिस फॉर जनरेटिंग एंड वैल्यूएटिंग स्ट्रेटजिक ऑप्शंस, ये आपकी स्ट्रेटजिक ऑप्शंस को जनरेट करने में भी उसमें बेसिस प्रोवाइड करता हो। डायनामिक हो इन नेचर, ये आप इसमें हमने उसको भी देखा कि ये इवॉल्व करता हो, इसमें आकर अगर कोई चीज आप एड अप करना चाहें तो वो एड भी हो सकती हो। मिशन स्टेटमेंट ओरिएंटेशन, एन इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट एंटिसिपेट्स आवर कस्टमर नीड्स, आइडेंटिफाइज कस्टमर नीड्स, प्रोवाइड्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स, आइडेंटिफाइज द यूटिलिटी ऑफ अ फर्म्स प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स। अच्छा, हमने मिशन स्टेटमेंट की जब बात की तो हमने एक मिशन स्टेटमेंट रखा जो कि हमने इंटरनल पर्पसेस के लिए रखा। हमने एक मिशन स्टेटमेंट ऐसा भी बनाना है जो कि आउटर वर्ल्ड के लिए हो, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो और कस्टमर ओरिएंटेड हो, और एक मिशन स्टेटमेंट हो जो आपका इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी हो। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, ठीक है, डू नॉट ऑफर मी थिंग्स, डू नॉट ऑफर मी क्लोथ्स, ऑफर मी अट्रैक्टिव लुक्स। ठीक है, आपने ऐसी यूटिलिटीज, ऐसी चीजों को डिपिक्ट करना है कि जो कि आपको लॉन्ग टर्म चीजें, लॉन्ग टर्म आपके उसको एस्पेक्ट्स को शो करती हो, लॉन्ग रन आपने जो करना है या लॉन्ग रन आपकी जो वैल्यू होती है उस बिजनेस की या प्रोडक्ट की उसको शो करती हो। वो कहते हैं हमें चीजें ऑफर ना करो, हमें अट्रैक्टिव लुक्स करो, हमें कपड़ा ना दो, हमें ऐसा ऐसी चीज प्रोवाइड करो जो कि इन लॉन्ग रन हमारे साथ अब जो है वो अटैच रहे, हम वो उस एक्सपीरियंस को याद रखें। ऑफर मी कम्फर्ट फॉर माई फीट एंड द प्लेयर ऑफ वॉकिंग। ठीक है, अगर तो कोई शूज वाला, शूज और फुटवेयर से रेलिवेंट है तो वो कहते हैं आप कम्फर्ट को देखो, आप उसमें प्लेयर ऑफ वॉकिंग को देखो, आप ये ना देखो कि भाई हम बहुत ही अच्छा जूता प्रोवाइड करेंगे जो कि कस्टमर सेटिस्फाई करेगा। वो कहते हैं आप वो वाला अपना मिशन और विजन ऐसा बनाओ कि जो ये शो करे कि आप कम्फर्ट दोगे, आप क्लीनलीनेस दोगे, आप प्लेयर ऑफ वॉकिंग दोगे। ठीक है, आगे आ जाते जी, डू नॉट ऑफर मी बुक्स, ऑफर मी आवर्स ऑफ प्लेयर एंड बेनिफिट ऑफ नॉलेज। आगे आ जाते हैं, यूटिलिटी ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, डू नॉट ऑफर मी सीडीज, ये वही बात है, इसको उन्होंने मजीद एक्सटेंड करके लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के देते हुए कि भैया आपने जब बात करनी है तो ऐसे करनी है कि ये लॉन्ग रन आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद चीज है। अच्छा जी, वही बात मैंने पहले बात की कि ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। कस्टमर ओरिएंटेड क्या होता है हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके आगे हमारे पास और स्लाइड है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट्स है। इतनी मतलब ज्यादा नहीं रहेगी, थोड़ा सा रह गया और टाइम भी हमारे पास 4 मिनट्स रह गया। आज हमने काफी ज्यादा साथ पढ़ गए, वैसे भी थोड़ा सा ये ईजी भी था, इतना मुश्किल नहीं था। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपने इट विल बी योर sort of assignment, आपने ट्राई करना है कि आप खुद से कुछ मिशन और विजन स्टेटमेंट्स को फॉर्मुलेट कर सकें। इसमें आप अपने प्रीवियस बिजनेस आइडियाज को भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो इंटरप्रेन्योरशिप के उसमें सब्जेक्ट में आपने अपने रखे थे बिजनेस आइडियाज रखे थे, उनको आप फर्दर मिशन या विजन जब उन बिजनेस आइडियाज का बनाते हो तो वो क्या होगा, तो आप उसी से रेलिवेंट को मिशन और विजन स्टेटमेंट जो होगी वो अपनी आप लिखेंगे। ठीक है, और आप फिर वो मुझे सबमिट कराएंगे। ठीक है, इसकी मैं आपके साथ एक फॉर्मल वो भी आपके एक असाइनमेंट के तौर पर दे दूंगी, लेकिन ये मुझे मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप उसको अपना प्रीवियस बिजनेस आप उसमें उठा सकते हैं जो आपने प्रीवियस असाइनमेंट की थी, उसी से रेलिवेंट आप उसको थोड़ा सा लिंक करके उसका आप वो बना सकते हो, मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट दोनों ही बल्कि लिखनी होगी आपको, वो आप लिखिएगा। और ये कोई बात नहीं है कि आपने बस ट्राई करना है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं कहीं से करना, आपने कोशिश करनी है आप उसको खुद लिखे। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ही रॉकेट साइंस वाली बात लिख देनी है कि भैया हम बड़ा ही कोई हैवी अंग्रेजी बोल के और बड़ा कुछ उसको अनोखा लिखेंगे। आप सादा सिंपल भी लिख सकते हैं लेकिन वो सेंस क्लियर करता हो, वो अच्छा बता अच्छी उसमें सेंस क्लियर हो रही हो। ठीक है, जितनी हमने पॉइंट्स पढ़े वो उसमें किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तौर पर वो फिट बैठता हो। ठीक है, तो कस्टमर ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट define organization's purpose in terms of meeting customer needs or providing solutions for them. They provide more flexibility than product-oriented mission
एंड कैन बी इजीली अडेप्टेड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नोकिया स्टेटमेंट इज कनेक्टिंग पीपल. अच्छा, ये आपने सबने ही देखा होगा वो नोकिया के फोन पे जब वो उसको ऑन करते थे, तो उसको जब आप ऑन करते हो तो वो दोनों हाथों को ऐसे कनेक्ट कर रहा होता है और लिखा होता है कनेक्टिंग पीपल. तो ये उनकी ये बेसिकली मिशन स्टेटमेंट थी कि लोगों को कनेक्ट करना है. अब जो इतने सारे हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें वो किसी ना किसी तरीके से वो बैठता है. ठीक है, वो उसमें सेट फिट बैठता है. तो ये उनका कस्टमर ओरिएंटेड था, ये कस्टमर्स तक ये था. इसके अलावा उनका प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो होगा मिशन स्टेटमेंट वो कुड बी बिट डिफरेंट एंड बिट लेंथी. ये जो लोगों तक आपने पहुंचाना होता है जो कस्टमर ओरिएंटेड होता है ये बहुत शॉर्ट होता है और ये ऐसा होता है जो कि याद रह जाए लोगों को. एक दो लाइन से ज्यादा लाइन नहीं होती, सेंटेंस तो बहुत ही कम होता है, बहुत थोड़ा सा छोटा सा होता है. इट डज नॉट फोकस ऑन मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स ओनली, इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू कस्टमर नीड्स एंड कुड इजीली हैव वर्क्ड 50 इयर्स अगो एंड विल कंटिन्यू टू वर्क इन द फ्यूचर. इट ऑल्सो गिव्स मोर स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सीबिलिटी फॉर द कंपनी. इन नोकिया केस इट मे स्टार्ट प्रोवाइडिंग VoIP सॉफ्टवेयर टू अलाउ कॉल्स टू बी मेड ओवर द इंटरनेट एंड इट्स मिशन वुड स्टिल बी वैलिड. वो कहता है कि ये हो सकता है कि इसको इंटरनेट से रिलेवेंट आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर दे दे कि आप अपने इंटरनेट के थ्रू भी कॉल्स कर सकते हो, लेकिन उस सूरत में भी इसका जो मिशन होगा वो वैलिड रहेगा. प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन फोकस ऑन व्हाट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू सर्व रादर देन व्हाट सॉल्यूशंस टू प्रोवाइड फॉर कस्टमर्स. दीज स्टेटमेंट्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द कंपनी बिकॉज मोस्ट प्रोडक्ट्स have short life cycle and offer limited market expansion. The company that defines its business as providing best health insurance products may struggle to grow to other insurance products, product categories. So the